नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गार्डन सफारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुंदर से प्लांट क्रोटन के बारे में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसकी फुल केयर और प्रोपगेशन के बारे में। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रोटन भी एक साल भर रहने वाला प्लांट है और जिन दोस्तों की बालकनी में धूप कम आती है, हल्की आती है, छनकर आती है, दिन भर धूप रहती ही नहीं है और इस वजह से वो कई सारे फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं लगा पाते हैं, तो वो इनको लगाकर फूलों की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह की रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, पतली चौड़ी, हर तरह की वैरायटीज़ वाली पत्तियाँ आती है और ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती है, तो ये आपके बगीचे में बहुत सारे रंग भर देगा। तो अब बात करते हैं इसकी केयर के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं इसकी पॉटिंग सॉइल के बारे में। तो इसकी सॉइल बनाने के टाइम पे दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि इसको एकदम पोरस सॉइल चाहिए ताकि मिट्टी में बिल्कुल भी पानी रुके ना। तो इसके लिए हम 40% सॉइल लेंगे, 30% सैंड और 30% कॉम्पोस्ट मिला लेंगे और इसमें ये थोड़ी सी, मतलब इतनी सी आप इसमें नीम खली ले सकते हैं, वो आप डाल दीजिए। नीम खली से ये होगा कि आपकी सॉइल में कोई भी पेस्ट या फंगल अटैक नहीं होगा और नीम खली में नेचुरल NPK होता है तो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। पर गमला भरते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ड्रेनेज होल है उसमें ढीकरी ज़रूर लगाइए ताकि ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो गमले में से निकल जाए। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट के बारे में कि इसे रखना कहाँ पर है, क्योंकि ये प्लांट बड़ा ट्रिकी है। अगर आप इसको बिल्कुल लो लाइट में रख देंगे तो इसमें ये जो कलर्स है, शेड्स है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे और बिल्कुल अगर धूप में आपने इसको एक्सपोज कर दिया तो फिर इसकी पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो इसको हमें ऐसी जगह रखना है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जहाँ पर धूप जो है बिल्कुल छन के आए, हल्की धूप आए, दिन की धूप ना लगे, सुबह की इसको धूप मिल जाए 2-3 घंटे की और बिल्कुल छन के। जैसे मेरी बालकनी है तो यहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती है, लेकिन जहाँ मैंने इस प्लांट को रखा हुआ है यहाँ पर ये बिल्कुल छन के धूप आती है। तो ये आगे की तरफ भी प्लांट लगा हुआ है और ये पीछे की तरफ जो रेलिंग है तो यहाँ से 3-4 घंटे की धूप है, लेकिन बिल्कुल छन छन के इस पर धूप आती रहती है। तो आप देख रहे हैं कि प्लांट कितना हेल्दी है, इसमें कोई भी पत्तियाँ ख़राब नहीं हो रही है, कलर्स भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो इसे बिल्कुल ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहाँ पर बहुत लो लाइट एरिया है, ब्राइट लाइट नहीं है और थोड़ी बहुत अगर सूरज की रोशनी इसको 1-2 घंटे की सुबह सुबह की मिल भी जाती है तब भी इसके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको बार बार अंदर बाहर करते रहें, इसको एक जगह पर सेट कर दीजिए। अगर इसकी जगह बार बार चेंज करेंगे तब भी इस प्लांट को प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। तो दोस्तों, इसको मॉइस्ट मिट्टी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा कीचड़ जैसी मिट्टी इसको पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था वेल ड्रेन सॉइल बनाइएगा। देखिए, ये इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ये मिट्टी मेरे हाथ से चिपक नहीं रही है पर अभी भी इसमें मॉइस्चर है। और साथ ही पॉट का ड्रेनेज भी बिल्कुल ओके रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी पॉट में स्टॉक ना हो। अब जैसे इसमें ओवर वाटरिंग से प्रॉब्लम होती है, वैसे अंडर वाटरिंग, मतलब अगर आप पानी कम देंगे तब भी दिक्कत होगी, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो नीचे की तरफ झुक जाएंगी और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि गीली गीली मिट्टी में बार बार आप पानी दे दें, मिट्टी को थोड़ा सा हल्का, जब आप देखते हैं हल्की सी सूखी हो जाती है परत ऊपर से, तब आप इसमें पानी दे दीजिए। और जब हम वाटरिंग की बात करते हैं तो इसकी पत्तियों पे भी पानी दीजिए, मतलब इस पर मिस्टिंग कीजिए। पौधे जो है सिर्फ जड़ों से ही नहीं पत्तियों से भी भोजन लेते हैं और पानी में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो इससे प्लांट जो है वो फ्रेश तो रहता ही है, साथ में उसको पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और साथ ही इससे कीड़े वगैरह भी दूर भागते हैं। डेली मिस्टिंग करने से कोई भी पेस्ट वगैरह जो है वो प्लांट पे आते नहीं है। तो मिस्टिंग जब आप करते हैं तो विंटर के टाइम पे हिसाब से कीजिए, बहुत ज़्यादा अगर ठंड हो रही है तो मत कीजिए। अगर हल्की फुल्की ठंड है तो आप इस पे सुबह के टाइम मिस्टिंग कर दीजिए ताकि दिन भर प्लांट आपका सूख जाएगा। और अगर गर्मियों का टाइम है, समर के टाइम, तो आप सुबह शाम दोनों टाइम इस पे मिस्टिंग कीजिए, इससे प्लांट पे पेस्ट वगैरह का अटैक भी नहीं होगा और होगा भी तो बहुत कम होगा। तो जब हम पेस्ट अटैक की बात कर रहे हैं तो हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्रोटन पे क्या क्या अटैक्स होते हैं। तो इस पे मिली बग यानी कि छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं, चिपके चिपके से वो इस पे चिपक जाते हैं, उसका अटैक होता है। तो अगर आप रेगुलर मिस्टिंग करते हैं तो ये बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है, फिर भी अगर आपको दिख जाए आप अपने प्लांट पे नज़र रखिएगा। आपको जब भी ये दिख जाए आप हाथ से उसको हटा के दूर अपने बाकी सारे प्लांट से बहुत दूर फेंकिएगा, नहीं तो ये आपके बाकी प्लांट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा आप हर 15-20 दिन में इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं ताकि कीड़े वगैरह इससे दूर रहें। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, विंटर के टाइम तो मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ, कभी कभार मिस्टिंग कर देती हूँ, और समर्स के टाइम तो मैं कोई नीम ऑयल वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ मिस्टिंग करती हूँ। और आप देख रहे हैं प्लांट पे कोई भी पेस्ट नहीं है और इस पे कोई कीड़ा वगैरह लगा भी नहीं है आज तक। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जब हमने इसकी पॉटिंग सॉइल बनाई थी तो हमने अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें कॉम्पोस्ट डाल दिया था,
तो अब इसे दोबारा से कुछ भी सॉलिड देने की ज़रूरत नहीं है। फेब्रवरी के टाइम पे यानी कि बसंत के टाइम पे और जब सर्दियाँ शुरू होंगी उससे पहले हम थोड़ी इसके अंदर सॉलिड खाद दे देंगे। बाकी इसके अलावा मैं तो इसमें महीने दो महीने में कभी एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बाकी प्लांट्स को देती हूँ वो उसको दे देती हूँ, जैसे कि किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया या फिर कभी बायो एंजाइम दे दिया, तो ये सब चीज़ें जब देती हूँ प्लांट को तो इसको भी दे देती हूँ थोड़ा बहुत। वैसे इसको ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की। हालांकि अभी बहुत गर्मी है तो ये टाइम प्रोपगेशन के लिए ठीक नहीं है, फेब्रवरी या रेनी सीजन इसके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ से आप इस तरीके से ये जो थोड़ी वुडी सी स्टेम आपको दिखाई दे रही है यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं और कट करके इसको वेलड्रेन्ड सॉइल बनाइए, मतलब मिट्टी और रेत उसमें अच्छी मात्रा में डालिए और उसके बाद उसको लगा दीजिए आप। फेब्रवरी और रेनी सीजन में तो ये बहुत इजीली प्रोपगेट हो जाता है। ये देखिए यहाँ से भी आप इस तरह से कट करके लगा सकते हैं। तो मॉनसून बस आने ही वाला है, साथ मिलके इसकी कटिंग्स लगाएंगे, आप जुड़े रहिएगा। और आज के खिले हुए फूलों को साझा करते हुए जो लास्ट टिप आपको देना चाहती हूँ वो ये कि अपने प्लांट से प्यार कीजिए, प्यार करेंगे तो अपने आप ही वो खुश खुश रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए गुलाब भी कितने अच्छे से चमक रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको प्लांट से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी मिलती रहती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही। कीप प्लांटिंग।